हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट, मैं कमलकांत टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एलपीपी की थर्ड वीडियो लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। ए लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ लीनियर फंक्शन डील्स विद, देखिए हम फंक्शन को या तो मिनिमाइज करते हैं मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब या तो मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। तो फंक्शन में देखिए बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए एलपीपी इज ए कंस्ट्रेंट ए फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड ए फंक्शन टू बी मिनिमाइज्ड। अब देखिए ऑप्टिमाइज में दोनों आ जाते हैं, फंक्शन को मिनिमाइज करना भी और मैक्सिमाइज करना भी, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैव वन और मोर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो देखिए पहला ही है, हम किसी भी एलपीपी के लिए वन और मोर ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। वेरिएबल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो देखिए सबके लिए आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए जो आपके वेरिएबल्स हैं नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं, वे सारी की सारी कैसी होती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स एन सेटिस्फाइंग कंस्ट्रेंट एंड नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन इज ए। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स आपकी जो डेफिनेशंस है मैं आपको दिखा देता हूं, आप उनको रीड कर लेना। देखिए आपकी कुछ इम्पोर्टेंट्स डेफिनेशंस है, मैंने एलपीपी आपको दिखा दिया, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशंस आपका है, नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल कितने होते हैं आपके एन माइनस एम, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन जितनी होती हैं वो आपके क्या होते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं आपके। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशंस आपकी जो आगे की हैं वो थोड़ी ये बची हुई थी, ये भी मैंने लिख दी है आपकी, तो इनको भी देख लीजिए। देखिए नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन दस ऑब्टेंड विल बी एट द मोस्ट एनसीएम, तो टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन आपके कितने हो जाएंगे एनसीएम, उसकी वैल्यूज आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन, आपके क्या होगा बेसिक सॉल्यूशन क्या होंगे जो सेटिस्फाई करते हैं नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन, मतलब आपके जो वेरिएबल्स है एक्स वन एक्स टू एक्स एन जितने वेरिएबल्स है वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए। अब इसकी दो कंडीशंस हैं आपकी, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपके नॉन डिजनरेट होते हैं डिजनरेट होते हैं, नॉन डिजनरेट क्या होते हैं जिसमें एक्स आई जितने आपके एक्स वन एक्स टू एक्स एन है वे सारे पॉजिटिव होने चाहिए। डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपके कैसे होने चाहिए, ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिजनरेट इफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल आर जीरो, आपका कम से कम एक से ज्यादा आपके क्या होने चाहिए बेसिक वेरिएबल आपके जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज सेट टू बी ऑप्टिमल इफ इट इज ऑल्सो ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलिए अब आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x1, x2, xn सेटिस्फाइंग कंस्टेंट एंड नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन इज ए फिजिबल सॉल्यूशन। अगर केवल कंस्टेंट सेटिस्फाई करते हैं तो हम उसे सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी कहते हैं, लेकिन अगर नॉन निगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन भी सेटिस्फाई करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ए जनरल एलपीपी विच इज ऑल्सो बेसिक सोल्यूशन, बाई बेसिक सोल्यूशन के साथ में फिजिबल होना सोल्यूशन होना, फिजिबल सोल्यूशन मतलब नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करना, तो क्या कहते हैं हम उसको बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। क्वेश्चन पे आते हैं। ए फिजिबल सोल्यूशन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शुड सेटिस्फाई द प्रॉब्लम कंस्टेंट ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेटिस्फाई द प्रॉब्लम कंस्टेंट एंड नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ये भी आपने पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी सेट टू बी डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ, देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर वन और मोर बेसिक वेरिएबल आपके जीरो हो जाएं तो आप हम उसको क्या कहते हैं डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा एट लीस्ट वन ऑफ बेसिक वेरिएबल इज जीरो, तो कम से कम एक या एक से ज्यादा भी बेसिक वेरिएबल आपके अगर जीरो हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं उसको डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड ऑल बेसिक सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम मैक्सिमाइज ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको दिए गए हैं टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री इक्वल टू अलेवन प्लस थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री इक्वल टू फोर्टीन। मैंने जो इनइक्वलिटी है उनको इक्वलिटी में बदल लिया है आपके सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ एड करके। तो अब देखिए इसने क्या कहा आपको फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन। अब जब मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको
क्या क्या आपके बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं और कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार मैं आपको फाइंड आउट करके भी दिखा देता हूं। आते हैं, फाइंड ऑल बेसिक सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ गिवन एंड फाइंड ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आल्सो। इसने कहा आपको बेसिक सॉल्यूशन भी बताइए जो सिस्टम आपको दिया गया है और साथ साथ ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी उसके निकालिए। तो आपको देखो सिस्टम ये दिया गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, अगर किसी के बेसिक सॉल्यूशन निकालने हैं तो आपके जो वेरिएबल्स दिए गए हैं आपको बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए, सबसे पहले आप एक वेरिएबल को जीरो रखोगे। कैसे रखोगे, देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल देखो कितने हैं, 1, 2, 3 है, माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 2, दिस इज इक्वल टू 1। ये आपके नॉन बेसिक वेरिएबल आपके निकल गए हैं यहां से, ठीक है। नॉन बेसिक वेरिएबल आपके कितना है 1, तो जितने भी आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनको हम 1/1 करके जीरो रखते हैं यहां पे और बाकी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां से मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में आपने क्या किया कि x1 को जीरो रख लिया, इस इक्वेशन में भी x1 को जीरो रख लिया और यहां से x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे सिमिलरली फिर हम x2 को जीरो रख लेते हैं, बाकी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से x2 को जीरो रखोगे, इनकी और इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो दोनों। ऐसे ही x3 में एक बार जीरो करोगे, जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल है अगर यहां 2 नॉन बेसिक वेरिएबल आते तो 2 वेरिएबल्स को हम जीरो करते हैं। ऐसे ही अब x3 में हम क्या कर लेते हैं, x3 को जीरो कर लेते हैं, बाकी के फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपके क्या है, ये बेसिक सॉल्यूशन आए आपके। बेसिक सॉल्यूशन मतलब 0-1, 3 पॉइंट आपके 1/2, 0, 5/2, 3, 5, 0। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल का आपका फॉर्मूला था NCM। तो N देखो कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं N, CM नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 2, तो NCM की वैल्यू आपकी क्या आई 3। तो आपको टोटल बेसिक सॉल्यूशन आपको कितने मिलेंगे 3। तो देखो आपने फाइंड आउट कर लिया 1, 2, 3। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या कहता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको कहता है कि हमारे पास सारे के सारे क्या होने चाहिए, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन पॉजिटिव होने चाहिए। पर देखो यहां पे निगेटिव है तो हम इसको छोड़ देंगे, ये तो आपका नहीं होगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में। तो आपके कौन कौन से बचेंगे, ये वाले देखो सारे के सारे वेरिएबल आपके क्या है, पॉजिटिव। तो आपके फिजिबल सॉल्यूशन क्या मिले, ये और ये मिले, ये आपके बेसिक सॉल्यूशन है। फिजिबल सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा कि आपने जो वेरिएबल्स माने थे नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन आपके जो थी तो वो क्या है कि पॉजिटिव है कि नहीं है। तो देखो ये रे, तो आप देखना पॉजिटिव, ये वाले पॉजिटिव है, ये तो निगेटिव है तो ये हमने छोड़ दिया। तो हियर बोथ BFS आर नॉन डीजनरेट। अब देखो यहां पे नॉन डीजनरेट क्यों है, देखो आपके जो बेसिक वेरिएबल है, देखो उनमें बेसिक वेरिएबल में से कोई भी जीरो नहीं है, वन और मोर जीरो होना चाहिए, ये तो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल है जीरो यहां पे। लेकिन देखो 5/2, 1/2 में से अगर एक भी जीरो होता तो हम इसे क्या कह देते, डीजनरेट कह देते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाता है, डीजनरेट, अगर इनमें से कोई सा एक जीरो हो जाता। ऐसे ही देखो यहां भी अगर इनमें से कोई 3 और 5 में से एक जीरो हो जाता तो हम क्या कह देते हैं, डीजनरेट। बट अभी जीरो नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं, नॉन डीजनरेट। अगर देखो इसकी ऑप्टिमम वैल्यू आपको निकालनी है बेसिक सॉल्यूशन की, तो आप कैसे निकालोगे, जोन सा भी पॉइंट आपका रखने पे वैल्यू मैक्सिमम देता है, हम उसकी वैल्यू रखें, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी के थ्रू अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने को सोल्व कर लेते हैं, इसी से हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड ऑल बेसिक सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम मैक्सिमाइज ऑफ जेड। तो इसके बेसिक सॉल्यूशन आपके क्या होंगे, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाए थे बेसिक सॉल्यूशन 0-1, 3 ये वाले 1/2, 0, 1/2, 0, 5/2, 3, 5, 0 आपके क्या हो जाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन हो गए। अब इसमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मैंने कहा था जो निगेटिव वाले हैं वो तो आपके आएंगे ही नहीं है, तो बाकी कौन से है पॉजिटिव वाले, ये देखो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन आपको सिस्टम दिया गया है ये और उसमें कहा कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन आप इसके फाइंड आउट कीजिए। तो मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे इसके, आपको मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशन निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला है एनसीएम का। तो देखो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, देखो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे सिस्टम को खोलोगे तो 2x1 x2 प्लस x3, ऐसे ही 3x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 14। तो अब देखिए दो इक्वेशन हुई आपकी, 3 वेरिएबल हुए, 3 सॉल्यूशन आपके कितने हो जाएंगे, तो 3c2, तो कितने आ जाएंगे 3, अभी आपने निकाला था यहाँ पे, मैंने आपको अभी जब डेफिनेशन बताई थी तो डेफिनेशन में भी आपको बताया था। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिस्टम सच दैट, आपको देखो वही सिस्टम दिया गया है, अभी मैंने आपको जब कराया था सॉल्यूशन इसका तो क्या आया था आपका आंसर 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन दस ऑप्टेन विल एट मोस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन दस ऑप्टेन विल एट मोस्ट, टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला आपका क्या था, अभी बताया था आपको, एनसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ वेरिएबल एट लीस्ट मस्ट वैनिश फॉर ए फिजिबल सॉल्यूशन टू बी ए बेसिक सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो आपकी कितनी आएगी, एन माइनस एम। अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई हैं, अगर आपको उनमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर उनके लिए भी हमें एक वीडियो बना दीजिए, तो उन डेफिनेशंस के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।